मित्रों, ये जो हाथ में हमारे पंछी देख रहे हैं, ये पंछी कबूतर है और ये कबूतर सीलिंग फैन से लड़ करके चोटिल हो गया है और ये उड़ नहीं पा रहा है। इसके घावों को आप देख रहे हैं, कितने गहरे घाव हैं। अब मैं इसकी ड्रेसिंग करूंगा ताकि ये फिर से अपने जीवन में उड़ान भर सके। ये स्प्रिट है और स्प्रिट से हम इसके घाव की सफाई कर रहे हैं। देखिए कितने प्यार से समझ रहा है, बड़ी तकलीफ है इस कबूतर को और ये कबूतर इतना परेशान है उड़ने के लिए, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। इसमें हमने ड्रेसिंग की है, कुछ एंटीबायोटिक हमने दिया है और एंटीबायोटिक के साथ साथ हमने इस कबूतर को एनालिसिक डाला है। एंटीबायोटिक मैंने घावों पर भी छिड़का है, जो उसके बाद ओरल भी हमने इसको पिलाया है और इसके पानी में डाल करके हमने एंटीबायोटिक प्लस इसके लिए खाना दिया है। हमारा मकसद मात्र इतना था कि ये पंछी फिर से अपनी उड़ान भरने लगे। अगर ये उड़ान भर लेता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ये इसकी ड्रेसिंग अब हो चुकी है। अब इसको मैं दवाई पिलाने जा रहा हूँ चम्मच से। इसमें एंटीबायोटिक है और एनाल्जेसिक दोनों घोल करके हमने दिया है। घर में उपलब्ध एंटीबायोटिक में सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हमने दिया है और सेरेटियोपेप्टिडेज एसाइक्लोफेनिक सोडियम प्लस पैरासीटामॉल का एनाल्जेसिक हमने इसमें दिया है। एक हफ्ते की देख रेख के बाद ये देखिए दो कबूतर हैं। इसमें आप ये बताइए कि कौन सा चोटिल था और कौन सा स्वस्थ है। ये दोनों लगभग एक जैसे दिखने लगे हैं। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए हम नंबर वाइज में डिवाइड कर देते हैं, नंबर एक और नंबर दो, ताकि आप कमेंट कर सकें। मित्रों, हमारे पशु पक्षी चैनल के अन्य वीडियो आप ज़रूर देख लें। अगर आप पशु पक्षी चैनल की अन्य वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे इस पशु पक्षी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, हम इसी तरीके की वीडियो देते रहते हैं। चलता हूँ मित्रों, नमस्कार।